और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ एसडीएम पर खून के छींटे, एसडीएम ने तहसील कर्मी को मार डाला। आपको बता दें बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आई है, जहां लालगंज एसडीएम के हाथ खून से लाल, एसडीएम ज्ञानेंद्र की बेरहमी से दहला देने वाली घटना सामने आई है प्रतापगढ़ से, और हत्या कर फरार हुआ लालगंज का एसडीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर फरार हुआ एसडीएम की तलाश जारी है, जहां कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है और हत्यारे एसडीएम को गिरफ्तार करो, ये लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और एसडीएम लालगंज द्वारा पार्थी थी बेरहमी से पिटाई की गई। क्षमा याचना करने के बाद भी और मारना शुरू कर दिए तेजी से। उसके बाद थाना लालगंज भेज दिए और आपकी को सुरक्षा को छोड़ दिया गया। पीठ पर मारे, मेरा हाथ पर मारे, दोनों टांगों मारे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव मोहन शुक्ला हमसे फोन लाइन से जुड़ गए। शिव मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है और लगातार कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं। देखिए, प्रतापगढ़ में शर्मनाक घटना हुई है, जब एक अफसर ने अपने महतत को पीटा है और इस तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद जिस तरह से मौत के बाद जो नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रशासन का रवैया आ रहा है, जिस तरह से उसके मौत के मामले को भी छुपाया जाता रहा, उससे लोगों में नाराजगी है, कर्मचारियों में नाराजगी है और उसकी गिरफ्तारी के साथ बर्खास्तगी तक की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला प्रतापगढ़ के लालगंज का है, जहां 30 तारीख को एसडीएम के नायब नाजिर ने आरोप लगाया था कि उसको एसडीएम ने तीन अपने साथियों के साथ 9 बजे रात को उसके आवास पर घुस करके उसके साथ मारपीट किया, डंडे से पीटा, चोटें भी दिखाई थी और उस दरमियान मीडिया को भी बैठ दिया था, अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था और जब उसकी मौत हो गई तो जब मामला बिगड़ने लगा तो उसकी मौत को भी छुपाया जाने लगा मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा। उसके बाद आनंद थाना में FIR दर्ज की गई और अब FIR में भी जांच और विवेचना की बात करके आरोपी एसडीएम को बताने की कोशिश की जा रही है। जब हालांकि आरोपी एसडीएम फरार बताया जाता है और अभी तक प्रशासन ने उसका बयान लेने तक की कोशिश नहीं की है। और सबसे खास बात यह रही है कि जो भी पुलिसकर्मी इस मामले को अफसरों के इशारे पर छुपाते रहे, 3 दिन तक कोई FIR नहीं दर्ज की गई, 3 दिन तक कोई तहरीर नहीं ली गई, उनको पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बचाने में जुटा है, पुलिस के अफसर बचाने में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मातहतों को भी बचाने में जुटे हैं पुलिस के अफसर। जी ठीक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ आलोक पांडे हमसे फोन लाइन से जुड़ गए। आलोक जी, आपसे जानना चाहूंगी ये जो मामला आया है तो एसडीएम इस मौके पर फरार बताया जा रहा है, परिजनों की क्या मांग सामने आ रही है लगातार? देखिए, सबसे पहले जो बात है कि एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम जो है उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, अब फरार हो गए हैं। सरकार हो सकता है कि उनपे थोड़े दिनों में भगोड़ा घोषित करके उस पर इनाम भी रख दे अगर वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करते हैं। क्योंकि मृतक का जो बेटा है, जो सुनील है, उसका जो बेटा सुधीर है जी, उसकी तहरीर पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन पूरी तरीके से इसमें फेल माना जा रहा है, क्योंकि एसडीएम का खुद भाग जाना, एसडीएम के साथ एक प्रोटोकॉल भी होता है, एसडीएम के साथ सरकारी उसका CUG होता है, एसडीएम के साथ एक सरकारी गाड़ी भी होती है और एसडीएम के साथ एक सरकारी गनर भी होता है जी। ऐसी दशा में एसडीएम ज्ञानेन का गायब हो जाना सबसे बड़ी जो एक किसी भी एक साजिश की तरफ जी। एक इशारा करता है। और डंडे से किसी एसडीएम कोई किसी नायब को अगर नाजिर पे है तो अगर पीटता है और उसके बाद उसकी वहां के मेडिकल कॉलेज में अगर मौत हो जाती है तो आप समझ सकती हैं कि पर्याप्त सबूत है। मेडिकल कॉलेज में अगर उसकी डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम में भी आया, उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है कि उसमें ये भी है कि उसको डंडे से पीटा गया। ये देखने की बात है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। खुद मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर जो भाग गए हैं, अब इनको किस तरीके से इन पे शिकंजा कसा जाएगा,
इन पे क्या इनाम घोषित होगा या इनके लिए उसी तरीके से टीमें एसओजी या एसटीएफ की कोई टीम लग जाती है, किस तरीके की जांच इन पे सेटअप होगी, ये और ये कब सेटअप होगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। क्योंकि अभी तक जितना देर हो जाएगी इस केस में और ज्ञाने नहीं पकड़ में आएंगे उतनी देर हो जाएगी सबूतों को मिटाने में या सबूत उसके सबूत प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। और ऐसे में डीएम के ऊपर भी खासे आरोप लगते हैं कि वो अपने ठीक नीचे के जो उनके सहयोगी हैं उन पर उनका शिकंजा नहीं कस पा रहा है या उन पर उनका जो पकड़ है वो नहीं हो पा रही है। पूरी तरीके से एक लापरवाही का जो केस है ये कि ज्ञानेन अगर जल्द से जल्द नहीं पकड़ में आएंगे तो निश्चित ही बात है सबूत भी इधर से उधर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक एसडीएम एक बहुत ताकतवर एक पोस्ट होती है, इसको उन पर तुरंत ही एक टीम लगा के उनकी गिरफ्तारी की बात कही जानी चाहिए। उनके पास सरकारी, जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, एक फोन होता है, एक गाड़ी होती है और एक गनर होता है, ड्राइवर होता है, तो एक मजबूत एक उनके पास सरकारी अमला जमला भी होता है, उनको उनसे पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं ज्ञाने पे शिकंजा कसने के लिए उनपे इनाम भी घोषित हो सकता है। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर वजह क्या रही जिस तरीके से ये बेरहमी से पिटाई करी है एसडीएम ने, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज रहती है कि जब लोग आपस में एक साथ काम करते हैं कहीं ना कहीं बहुत चीजें ऐसी होती हैं जिसका अभी ये सारी चीजें जो भी आप पूछ रही हो ये सब की सब चीजें जब पकड़ में आएंगे, ज्ञानेन जब पकड़ में आएंगे, अजीम जब पकड़ में आएंगे, उसके बाद ही ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। हालांकि हाल फिलहाल तो यही कहा जाता है कि उन्होंने उसको अपनी ऑफिस में डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई अस्पताल के दौरान, नाजिर की जो है वो मौत हो गई। नाजिर एसडीएम के अंदर में काम करने वाला एक काम होता है। और ये भी बता दें कि दो दिन पहले भी काफी इस पे बवाल हुआ था, नाजिर और उनका एसडीएम का कई बार नोकझोंक हो चुकी है, कई चीज तो कई बार एसडीएम ने नाजिर को भरी सभा में भी उत्पतान बोला है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, इन सब चीजों को रहते हुए जब पकड़ में आएंगे वो तब उसके बाद ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। शिवमोहन जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से सरकार ये कहती नजर आती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो प्रशासन कितनी सख्त दिखाई दे रही है इस खबर को लेकर, जिस तरीके से एसडीएम फरार बताए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शुरू में जब आरोप लगते रहे उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, स्थानीय हॉस्पिटल में नाजिर को भर्ती किया गया, उसने आरोप लगाया, मीडिया के कैमरे के सामने भी आरोप लगाया कि हमको पिटाई की गई, एसडीएम ने 8,000 ईंट की मांग की थी जो बाउंड्री वाल होता है लालगंज तहसील से, उसको बनवाने की हम दे नहीं पा रहे थे, उसके बाद आए लोग मारपीट किए, उसको गंभीरता से नहीं लिया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी उस तरह से नहीं किया गया, उसको ट्रामा सेंटर स्थानीय में रखा गया, उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज आयन वक्त पर रेफर किया गया। और मेडिकल कॉलेज में भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसकी मौत हो गई तो 3 घंटे बाद उसका हेल्थ बुलेटिन भी जारी नहीं किया गया और उसके मौत को छुपाए रखने की कोशिश की गई। बाद में मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो बाउंड्री कूद करके दूसरी तरफ से भाग गए मीडिया से बचने के लिए। इस तरह से तमाम नौटंकियां रात भर चली और पूरी रात तमाशा बनाया, जिला प्रशासन ने खुद को भी तमाशा बनाया और तमाम चीजों को और मृतक के परिजनों को भी तमाशा बनाती रही। उसके बाद जब वो धरने पर बैठ गए, अनशन पर बैठने की कोशिश करने लगे कि हम अटेंगे नहीं, हम जीत पर अड़ेंगे, तो उनको किसी तरह से एफआईआर दर्ज करने की बात की गई और एफआईआर दर्ज करके मामले की करने की कोशिश की गई, मामले को समाप्त करने की कोशिश की गई कि हमने एफआईआर दर्ज कर लिया, कार्रवाई हो गई। बाकी एसडीएम कैसे भागा कैसे नहीं भागा, इस पर डीएम का कहना है कि उसका शाम से ही मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था और उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। डीएम नितिन बंसल ने बताया था उस दरमियान कल देर शाम को ही कि उसको जिला मुख्यालय से अटैच किया गया है, वहां दूसरे एसडीएम को संपर्क किया तैनात किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले में प्रशासन द्वारा पूरी लीपापोती की गई है और अभी भी जारी है। जी ठीक है, शिव मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।